बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आई एम मोहसिन मेनवर योर बायोलॉजी टीचर फॉर नेशनल एमडी कैट आज हम लेक्चर नंबर वन डिस्कस करेंगे जिसमें कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का पहला हिस्सा नर्वस कोऑर्डिनेशन है तो लेक्चर की डिस्कशन के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ आज के लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल डिस्कस करेंगे जिसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन आज के हमारे डिस्कशन का हिस्सा होगा नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन दो पार्ट क्वाडिनेशन एंड कंट्रोल में कंसिडर किए जाते हैं तो अगर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन के की कॉन्सेप्ट्स देखें जो कि हमारे सिलेबस में शामिल है तो उसमें सबसे पहला पार्ट है नर्वस सिस्टम जो कि मैन के केस में स्टडी किया जाएगा नर्व इंपल्स स्टेप इन्वॉल्व इन नर्वस कोशन अब नर्व इम्पल्स जो है हम ये स्टडी करेंगे कौन कौन से बेसिक स्टेप्स है जैसे रिसेप्शन ऑफ अस्टिमुलस एनाइजिंग एंड प्रोसेसिंग एज वेल एज द इफेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर स्टिमुलस प्रोड्यूस्ड इन दम ऑफ रिस्पॉन्स इसी तरह से न्यूरॉन की बात करेंगे कि जो कि स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट से कितने टाइप्स के हैं और मोर्फोलॉजिकली इनमें क्या डिफरेंस है ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इसके बारे में देखेंगे कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो ट्रांसपोर्ट या ट्रांसमिट कैसे होता है इन द फॉर्म ऑफ सिनेप्सिस जो कि दो तरह से हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस और केमिकल सिनेप्सिस और उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल बिटवीन द सेल जो के सिनेप्स की सूरत में स्टडी किया जाएगा नेक्स्ट पॉइंट होगा जिसमें हम रिफ्लेक्सेस एंड रिफ्लेक्स आर्क के बारे में जानेंगे जो कि इनवोलेंट्री एक्शन हैं डिटेल डिस्कस करेंगे इसकी उसके बाद लेवल्स की बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स मेन फंक्शंस यानी कि स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर क्या है उसमें डिफरेंट लेवल्स कौन से हैं और कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और लास्ट पे हम ह्यूमन ब्रेन की बात करेंगे जिसमें इसके डिफरेंट पार्ट्स और उसके मेन फंक्शंस को स्टडी किया जाए तो सबसे पहले ह्यूमन नर्वस सिस्टम या स्टेप्स इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है उनको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ नर्वस सिस्टम देखें तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन एक्चुअली इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन तो डिफरेंट बॉडी पार्ट के स्ट्रक्चर का इंटीग्रेट करना ताकि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर सके अब वो फंक्शन क्यों परफॉर्म किया जाएगा दैट इज एक्चुअली ड्यू टू द डिटेक्शन ऑफ एनी चेंज इन द एनवायरमेंट दैट एनवायरमेंट इज मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल तो इसका मतलब ये हुआ कि नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन जो दो तरह से की जाती हैं, उसमें से जो मेन थीम है दैट इज एक्चुअली रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस जो भी स्टिमुलस आएगा उसको रिस्पॉन्स करना वो इंटरनल स्टिमुलस हो सकता है या एक्सटर्नल स्टिमुलस हो सकता है अब इसमें जो सबसे पहले स्टिमुलस का डिटेक्ट करना फिर उसके बाद उसको एनालाइज करना और प्रोसेस करना और थर्ड पॉइंट पे आता है रिस्पोंड करना इन तीनों पॉइंट्स को कलेक्टिवली हम नाम देते हैं स्टेप्स इन द नर्वस कोऑर्डिनेशन तो फर्स्ट वन इज रिसेप्शन टू रिसीव द स्टिमुलस सेकेंड वन इज एनाइजिंग एंड प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन विच विल बी डन बाई दर्ड वन विलोड्यूस्ड बाई दी आ मसल और आर ग्लैंड सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप से ही बात करते हैं रिसेप्शन रिसेप्शन जैसा कि मैंने कहा रिसेप्शन का मतलब रिसिविंग द स्टिमुलस है वो स्टिम्युलस रिसीव किया जाएगा दैट विल बी डन बाय द रिसेप्टर अब ये जो रिसेप्टर है इन्हीं को दूसरा नाम ट्रांसड्यूसर भी दिया जाता है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी द टर्म रिसेप्टर रिसेप्टर जो है वो ऑर्गन हो सकते हैं टिश्यूज हो सकते हैं सेल्स हो सकते हैं या नर्व और न्यूरॉन एंडिंग्स हो सकते हैं। ये डिफरेंट नेचर हो सकती है इसकी तमाम का पर्टिकुलर पर्पस क्या है टू रिसीव दू डिटेक्ट द चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वा हम एंडोजिनस या एक्जिनस का नाम दे सकते हैं अब जो चेंज uh, को डिटेक्ट किया तो इस डिटेक्शन ऑफ द चेंज यानी कि टाइप ऑफ द चेंज पे टाइप ऑफ द स्टिमुलस पे हम रिसेप्टर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से रिसेप्टर्स हो सकते हैं तो सबसे पहला जो रिसेप्टर की टाइप है दैट इज कीमो रिसेप्टर लफ्स से वाजह है कीमो केमिकल से तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट द कंसेंट्रेशन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स और आइंस तो कभी भी जो कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए जो रिसेप्टर्स होंगे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेवल डिटेक्ट करना इन ब्लड ये इसके लिए रिसेप्टर्स कहां पे है मिडल्ला ऑफ ब्रेन ये सारे पॉइंट जो है एक्चुअली एमसीक्यू के रेफरेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी एक पॉइंट जो है वो पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर केमिकल या इस किस्म के स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स कौन से हैं या कहां पे मौजूद हैं तो इन तमाम स्ट्रक्चर्स को डिटेक्ट करने के लिए जो रिसेप्टर्स होंगे उसके लिए तो जनरल आंसर होगा कीमो रिसेप्टर लेकिन इनकी लोकेशन क्या होगी उसके लिहाज से हमने स्पेसिफाई किया ऑक्सीजन लेवल क्रोटेड बॉडी के जरिए इसी तरह से ब्लड ग्लूकोज फैटी एसिड अमाइनो एसिड एंड ऑस्मोरिसेप्टर ये इन तमाम के लेवल को और ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर के लेवल को मेजर करने के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं दीज आर प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन इसी तरह से स्मेल के लिए जो कि ओल्फैक्शन है उसमें नेजल एपिथेलियम नोज में मौजूद होंगे टेस्ट के लिए गेस्टेशन जिसको हम नाम देते हैं दीज आर प्रेजेंट एट द टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द टंग तो इसका मतलब डिफरेंट टाइप के जो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलस uh, जो है वो उसके अकॉर्डिंग उसकी लोकेशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है तो लोकेशन uh, पर्टिकुलरली किस एरिया में है उससे रिलेटेड हमें एमसीक्यू पूछा जा सकता है कीमुर रिसेप्टर एक काइंड uh, है रिसेप्टर्स की दूसरी जो है या अदर रिसेप्टर्स की टाइप देखें तो उसमें दूसरी मेन टाइप है मैकेनो रिसेप्टर तो मैकेनो रिसेप्टर को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मकैनो रिसेप्टर्स दीज आर द रिसेप्टर्स फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्टिमुलस ऑफ टच हियरिंग प्रेशर इक्विलिब्रियम बॉडी पोजिशन और एक्सलोरेशन ये वो डिफरेंट टाइप के स्टिमुलाए होंगे जिनको डिटेक्ट करने के लिए मकैनो रिसेप्टर जो हैं वो काम करेंगे मकैनो मकैनिकल वर्ड से है जो कि पर्टिकुलरली या जनरल टर्म में टच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अगर स्ट्रक्चरल रिस्पेक्ट देखें तो ये फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं स्ट्रे एंडिंग्स होती हैं या एक्सपेंडेड टिप एंडिंग्स होती हैं तो बुनियादी तौर पर ये के स्ट्रक्चर जो हैं वो हो सकते हैं अगर मकैनो को ऑन द बेसिस ऑफ ऑफ प्रेजेंस द विद रेफरेंस टू स्किन बात करें तो ये किस एरिया में इनकी वर्किंग क्या है और किस तरह से मौजूद होते हैं जैसे मिजनल कार्पसल जो है उनके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं दीज आर प्रेजेंट इन द स्किन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द टच इसी तरह से पेसिनियन कार्पसल जो है दीज आर प्रेजेंट डीप इन द स्किन और ये एक्चुअली प्रेशर को मेजर करने के लिए होते हैं इसी तरह से स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हैं ये मुख्तलिफ जगहों पे नॉर्मली इनको बैरो रिसेप्टर्स का नाम दिया जाता है जो कि ब्लड वेसल्स में हो सकते हैं जो कि स्ट्रेच को मेजर करेंगे इसी तरह से स्टमक की वॉल में जो कि अलाउजल ऑफ हंगर के लिए आमतौर पर जैसे हम कहते हैं पेट में चूहे दौड़ना शुरू हो जाना भूख लगने से तो वो जो वेव ऑफ कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन आती है उसके लिए स्टमक में जो रिसेप्टर्स हैं उनके लिए इसी तरह से ब्रैंकियल वेसल्स इन द फिश और उसके साथ साथ ज्वाइंट्स में भी ये मौजूद होते हैं जो कि वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो मुख्तलिफ तरह से ये रिसेप्टर्स जो हैं वो हमारी बॉडी में डिफरेंट लोकेशन पे हैं या डिफरेंट ऑर्गेज में अदर देन ह्यूमन भी मौजूद हो सकते हैं जैसे uh, ज्वाइंट्स के केस में अगर हम देखें तो जो रिंगने वाले जानदार हैं उनमें खास तौर पर ये वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए काम करते हैं इसी तरह से तीसरा जो रिसेप्टर की टाइप है दैट इज थर्मोरिसेप्टर थर्म का लफ्स जो है वो हीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट द चेंज इन द टेम्परेचर अब टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा होगा दोनों चीजों को डिटेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इन्वायरमेंट में कोल्ड कंडीशन और वार्म कंडीशन दोनों को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो दे वे रिस्पॉन्स टू कोल्ड एज वेल एज वार्म कंडीशन

Eyes में जो हैं, हैं, जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, वो रिसेप्टर कॉमनली या स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर कहलाते हैं इसके बाद नोसीप्टर देखिए तो दीज आर द रिसेप्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ पेन ये अनडिफ्रेंशिएटेड एंडिंग्स के हामिल होते हैं और पेन uh, जो है उसको डिटेक्ट करते हैं तो इस तरह से ये डिफरेंटली रिसेप्टर्स हैं जिनकी लोकेशन उनका स्ट्रक्चर और पर्टिकुलर ऑर्गन के साथ एसोसिएटेड होना जो कि पर्टिकुलर स्टिमुलस को डिटेक्ट करने में हेल्प करेंगे अब जो सेंसेशन uh, है बुनियादी तौर पर किसी भी स्टिमुलस की डिटेक्शन जो के रिसेप्शन ऑफ द स्टिमुलस है उसके लिए प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेंसेशन जो होती है उसको हम नाम देते हैं मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन तो ईच प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेंसेशन इज कॉल्ड मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेंसेशन अब ये जो प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेंसेशन है इसको किस तरह से स्पेसिफाई किया जाएगा कि अब जैसे मिसाल के तौर पर मेरी जो न्यूरॉन्स हैं जो प्रोसेस कर रही हैं या उसको ट्रांसफर कर रही हैं फ्रॉम द रिसेप्टर टू इफेक्टर वो तो कॉमन है उन तमाम का काम तो सेम है तो किस तरह से डिफरेंट जो स्टिमुलस हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है बाय द ब्रेन तो उसके लिए दो बेसिक पॉइंट जो है वो हमें समझना पड़ते हैं पहला पॉइंट स्पेसिफाइड एरिया इन द ब्रेन कोई भी जो स्टिमुलस है उसके लिए उसको पहुंचाया जाता है पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेन जैसे मिसाल के तौर पर अगर रिसेप्शन ऑफ लाइट है तो उसको पर्टिकुलर एरिया ऑफ ब्रेन तक पहुंचाया जाएगा उसको ताकि लाइट को जो है वो रिस्पॉन्ड किया जा सके इसी तरह से कोल्डनेस को वार्मनेस को और मुख्तलिफ जो स्टिमुलें हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन हैं उनको पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेन तक पहुंचाया जाएगा इसी तरह से उनको जो पर्टिकुलर एरिया तक पहुंचाने के साथ साथ स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर ऑर्गन भी होंगे जैसे टच रिसेप्टर पर्टिकुलर एरियाज में है इसी तरह से जो फोटो रिसेप्टर है पर्टिकुलर एरियाज में है प्रेशर रिसेप्टर पर्टिकुलर एरियाज में है और इसके साथ साथ कीमो रिसेप्टर पर्टिकुलर एरियाज में है मैं अगर एग्जाम्पल दू अगर आप किसी चीज का टेस्ट हासिल करना चाहते हैं तो वो टेस्ट बर्ड से आप पहचान सकते हैं आप कभी भी हाथ लगा के फिंगर से टेस्ट uh, हासिल नहीं कर सकते इसका मतलब यह हुआ कि जो टेस्ट रिसेप्टर्स हैं जो कि पर्टिकुलरली पर्टिकुलरलीमो रिसेप्टर्स हैं वो हमारी फिंगर्स की रिजिज uh, पे मौजूद नहीं है तो इसका मतलब पर्टिकुलर एरिया स्पेशलाइज रिसेप्टर ऑर्गन होते हैं और पर्टिकुलर एरिया या स्पेसिफाइड एरिया ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जहां तक मैसेज को पहुंचाया जाता है ये एक कॉन्सेप्ट बनता है जो कि प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेंसेशन बनाता है जिसको हम कहते हैं मोडालिटी ऑफ सेंसेशन इसके साथ ही जब हम सेंसरी रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं फाइव सेंसेस के लिए तो इनका जो वर्किंग है सेंसरी रिसेप्टर की विद रेफरेंस टू स्किन देखें तो बेसिकली तीन बुनियादी टाइप के रिसेप्टर्स बनते हैं अगर हम स्किन के रेफरेंस से इनकी वर्किंग देखें तो पहली टाइप जो है उसको हम नाम देते हैं हेयर एंड ऑर्गन दीज आर सिचुएटेड एट द बेस ऑफ हेयर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टच इसी तरह से दूसरे नंबर पे पसल हैं जो कि एनकैप्सुलेटेड होते हैं विद इन द कैप्सूल होते हैं यानी कि या उसके साथ साथ दीज आर प्रेजेंट इन पेपिलाई ऑफ रिजिस जो हमारे फिंगर की टिप्स हैं उसमें मौजूद होते हैं पर्टिकुलरली टच के लिए रिस्पॉन्सिबल है और पेसिनियन जो है ये एनकैप्सुलेटेड ही होते हैं और उसके साथ साथ इनका जो पोजीशन है वो डीप इन द स्किन होती है इसलिए ये डीप प्रेशर प्रेशर स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं अब और पेन ये दो डिफरेंट सेंसेशन जो है वो कंसिडर की जाती हैं तो ये वो मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर्स थे जो कि पर्टिकुलरली uh, जिनके हमने डिफरेंट फंक्शन जो है वो देखे अब एक और यहीं पर सवाल हमारे जहन में आता है कि ये जो रिसेप्टर जिनकी हम बात कर रहे हैं क्या पूरी बॉडी में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन सेम है और पूरी बॉडी में हर जगह पे क्या हर किस्म का रिसेप्टर मौजूद होता है तो इस सवाल का आंसर जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसेप्टर्स ऑन द बॉडी इसके लिए हम कहते हैं सिंपल सा आंसर है दीज आर अन इवनली या नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बॉडी सर्फेस यानी कि जो टच रिसेप्टर हैं अभी मैंने एग्जांपल दी कि टेस्ट बर्ड जो हैं दीज आर ओनली प्रेजेंट ऑन द टंग इसी तरह से uh, जो फोटो रिसेप्टर हैं ओनली प्रेजेंट इन द आईज तो मुख्तलिफ जो रिसेप्टर हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं एक तो पर्टिकुलर एरियाज में है और दूसरे नंबर पर हर एक रिसेप्टर की कंसंट्रेशन एक जैसी नहीं है कुछ रिसेप्टर की तादाद या या जो उनके नंबर है, वो दूसरे रिसेप्टर से कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं या कम होते हैं इस बात के लिए हमारी बुक में कुछ एग्जांपल्स दी गई जिसमें कहा गया कि जो पेन रिसेप्टर हैं ये पर्टिकुलरली कहा जाता है नियरली ट्वेंटी सेवन टाइम मोर होते हैं देन कोल्ड रिसेप्टर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद रेफरेंस टू एमसीक्यू ये तीनों पॉइंट जो है वो पूछे जाते हैं वैल्यू uh, के हिसाब से कि कौन सी वैल्यू जो है वो किस तरह से है तो पेन रिसेप्टर 27 सेवन टाइम ज्यादा है कोल्ड रिसेप्टर से कोल्ड रिसेप्टर 10 टाइम ज्यादा है हीट रिसेप्टर से और तीसरा पॉइंट हम एज्यूम करते हैं इससे कि हीट रिसेप्टर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 270 सेवेंटी टाइम ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द पेन रिसेप्टर तो ये पॉइंट जो है वो विद रेफरेंस टू एमसी को पूछा जा सकता है जिससे हमने दोनों बातें जो है वो की एक तो दोनों की कंसेंट्रेशन सेम नहीं है तीनों रिसेप्टर की या बाकी रिसेप्टर की भी और तीनों रिसेप्टर पूरी बॉडी पे हर जगह पे मौजूद नहीं होते डिफरेंट रिसेप्टर डिफरेंट एरियाज या स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ द बॉडी पर मौजूद होते हैं ये पहला पॉइंट था जो के स्टेप्स इन नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो के रिसेप्टर से रिलेटेड था अब रिसेप्टर ने जो स्टिमुलस था एनवायरमेंटल कंडीशंस में जो चेंज आई थी उसको डिटेक्ट uh, कर लिया नाउ आफ्टर द डिटेक्शन दैट पर्टिकुलर मैसेज शुड बी ट्रांसपोर्टेड एनालाइज एज वेल एज रिस्पॉन्सिबल टू गिव पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैसेज द इफेक्टर फॉर क्रिएशन ऑफ अ रिस्पॉन्स तो वो स्ट्रक्चर जो के receptor से मैसेज को रिसीव करता है और इफेक्टर तक भेजता है उसको हम नाम देते हैं न्यूरोन या नर्वस टिश्यू अब जो न्यूरोन है यह स्ट्रक्चरल चीफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है जब भी हम नर्वस सिस्टम में नर्वस टिश्यू की बात करते हैं तो उसमें दो किस्म के सेल्स होते हैं एक को हम न्यूरॉन का नाम देते हैं और दूसरे को नाम दे देता है न्यूरोग्लियल सेल या न्यूरोग्लिया या इसी को ग्लायल सेल भी अकेले कहा जाता है ये दोनों किस्म के सेल्स जो हैं वो 50 परसेंट ऑफ द टोटल नर्वस टिश्यू होते हैं यानी कि जो न्यूरॉन्स हैं ये 50 परसेंट ऑफ टोटल नर्वस सिस्टम है और न्यूरोग्लियल सेल्स जो हैं वो भी 50 परसेंट है अब जो न्यूरॉन है इनका काम तो है एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना और जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं ये एक्चुअली नर्सिंग सेल्स होते हैं दीज आर टू टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट द न्यूरॉन न्यूरॉन जो है हम जानते हैं अगर एक दफा मेचोर हो जाता है तो वो डिवाइड नहीं कर सकता तो उस सेल को प्रोटेक्शन और नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं और उन सेल्स में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल है वो श्वान सेल है ये श्वान सेल जो हैं ये बुनियादी तौर पर माइलिन शीत बनाने में भी हेल्प करते हैं तो डिफरेंट न्यूरोग्लियल सेल्स में से एक शिव सेल भी कंसिडर किया जाता है अब अगर हम न्यूरोन का स्ट्रक्चर देखें तो हम यहां पे बुनियादी तौर पर स्ट्रक्चरल एंड मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस ऑफ न्यूरॉन को डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम एक जनरलाइज्ड न्यूरॉन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसके बाद फिर उनको कंपैरिजन करना आसान होगा कोई भी एक न्यूरॉन जो है वो तीन बुनियादी स्ट्रक्चर्स पर مشتمل होता है जिसमें मेन जो स्ट्रक्चर होता है उसका वो उसकी सेल बॉडी है और उसके साथ सेलुलर प्रोसेसेस होते हैं दैट इज मे बी इन द फॉर्म ऑफ एक्सॉन एज़ वेल एज़ डेंड्राइट तो जो मेन बॉडी है जिसको हम सेल बॉडी या सोमा का नाम देते हैं दैट कंटेन अ मेजर रोल फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ द न्यूरोन क्योंकि न्यूरॉन के पास जो सेल बॉडी है उसमें उसका न्यूक्लियस मौजूद होता है और वही एक सेंट्रल रोल प्ले करता है न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम स्पेसिफिकली नाम देते हैं न्यूरोलिमा और इसके पास जो इंटरनल साइटोप्लाज्म uh, होता है वो स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम नाम देते हैं एक्सोप्लाज्म और इसके साथ साथ जो साइटोप्लाज्म ऑफ द या एक्सोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन होता है उसके अंदर स्पेशलाइज्ड बॉडीज होती हैं जिनको हम नीजल ग्रेन्यूल का नाम देते हैं ये तो एक जनरल न्यूरॉन uh, का स्ट्रक्चर होगा अब उस स्ट्रक्चर में से सेल बॉडी के साथ हमने कहा दो प्रोसेसेस मौजूद होते हैं फर्स्ट वन इज डेंड्राइट एंड सेकेंड वन इज एक्सॉन हमेशा याद रखिए डेंड्राइट इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू टेक द मैसेज टू द सेल बॉडी और एक्सॉन जो है वो हमेशा अवे फ्रॉम द सेल बॉडी मैसेज को ले जाएगा वो चाहे सेंसरी न्यूरॉन में हो एसोसिएटिव में हो या मोटर न्यूरॉन में हो तो डेंड्राइट इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक्स द मैसेज टू द सेल बॉडी और एक्सॉन इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक द मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी अब यहां पे हम तीनों न्यूरॉन्स के मोर्फोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस की बात करें तो सबसे पहले आप देखें तो तीनों के पास कॉमन फीचर सेल बॉडी मौजूद है इसी तरह से सेलुलर प्रोसेसेस भी मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ डेंड्राइट एज वेल एज एक्सॉन लेकिन स्पेसिफिकली सेंसरी न्यूरॉन में देखिए तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दैट हैव है इसके लिए हम कहते हैं दे हैव नो ट्रू डेंड्राइट वाई बिकॉज स्ट्रक्चरली डेंड्रॉन इज सेम एज द एक्सॉन एक्सेप्ट इट्स टर्मिनल पोर्शन यानी कि एक डेंड्राइट जो है वो जब सिंगुलर होगा तो उसको कहा जाएगा डेंड्रॉन ये स्ट्रक्चर के लिहाज से एक्जॉन ही है क्योंकि इनके गिर्द भी माइलिन शीत मौजूद होती है और उसके साथ साथ इसका जो टर्मिनल पार्ट है वो एक्चुअली डेंड्राइट की तरह बिहेव करता है बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल टू अटैच विद द रिसेप्टर तो इसका मतलब यह हुआ कि सेंसिटिव न्यूरॉन का जो की फीचर है उसके पास ट्रू डेंड्राइट नहीं होते दूसरे नंबर पे एसोसिएटिव न्यूरॉन में जो डेंड्राइट है वो दो तरह के बनते हैं दैट आर मे अपेयर एज स्पाइनी लुक और मे बी ट्री लाइक अपेयरेंस जाके प्रोफ्यूजली ब्रांच या ट्री लाइक अपेयरेंस जो है वो शो करेंगे जबकि मोटर न्यूरॉन में जो डेंड्राइट्स uh, हैं वो डिफरेंट फाइबर्स की सूरत में ओरिजिनेट होते हैं यहां पे अब एक पॉइंट देखिए कि ये जो एक फाइबर है इसको हम नाम देते हैं डेंड्रॉन जबकि ये पूरा गुच्छा जो कि एक फाइबर से ही ओरिजिनेट हो रहा है इसको नाम दिया जाता है डेंड्राइट और जब हम एक गुच्छा दूसरा तीसरा इन सबको कलेक्टिवली पढ़ते हैं तो यह कहलाता है डेंड्राइट्स जो कि डेंड्राइट और डेंड्राइट्स का स्ट्रक्चर सेंसरी न्यूरॉन में एग्जिस्ट नहीं करता सेंसरी न्यूरॉन हमेशा रिसेप्टर्स के साथ एसोसिएटेड होंगे जबकि मोटर न्यूरॉन एफेक्टर के साथ एसोसिएटेड होते हैं ताकि रिस्पांस क्रिएट कर सकें सेंसरी न्यूरॉन का डेंड्रोन जो है वो रिसेप्टर के साथ एसोसिएटेड होगा और जो एफेक्टर है वो एक्सॉन के साथ एसोसिएटेड होगा जबकि एसोसिएटिव न्यूरॉन जिसको दूसरा नाम इंटर न्यूरॉन या इंटरमीडिएट न्यूरॉन भी दिया जाता है ये स्ट्रक्चर एक्चुअली मोटर न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होता है और ये हमेशा सिर्फ ब्रेन एरिया और स्पाइनल कॉर्ड के एरिया में मौजूद होगा जबकि सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन जो है वो पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम में भी एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट से देखें तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर सेंसरी न्यूरॉन आर यूनिपोलर बिकॉज देयर सेल बॉडी इज प्रेजेंट एट द मार्जिनल एरिया नॉट इन द सेंट्रल पार्ट तो ये यूनिपोलर होते हैं कुछ इसमें से बायपोलर के तौर पर बिहेव करते हैं जबकि एसोसिएटिव न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन जो है वो मल्टीपोलर न्यूरॉन के तौर पर क्लासीफाई किए जाते हैं तो एक्चुअली को तीन बेसिक कैटेगरी में किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन ये हम कहते हैं कि ये सेंसरी है एसोसिएटिव है और मोटर है और अगर स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट से देखा जाए तो ये यूनिपोलर बाइपोलर या मल्टीपोलर हो सकते हैं जिसमें सेंसरी न्यूरॉन नॉर्मली यूनिपोलर है लेकिन सम टाइम सम सेंसिटिव न्यूरॉन बिहेव्स एज अ अर जबकि एसोसिएटिव और मोटर न्यूरॉन जो है वो मल्टीपोलर के तौर पर बिहेव करते हैं दैट वाज अबाउट द न्यूरॉन जो कि सेकंड स्टेप था uh, जो कि एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर थी अब तीसरा पार्ट जो है उसमें हम नर्वस कोऑर्डिनेशन में देखेंगे कि रिस्पांस क्रिएट किया जाए दैट रिस्पांस विल बी बाय द इफेक्टर्स तो इफेक्टर्स के बारे में जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ नेक्स्ट पार्ट है जी नर्व इम्पल्स जब हम बात करते हैं नर्व इम्पल्स की तो दैट इज एक्चुअली अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस यानी कि दो तरह से होगा इलेक्ट्रिकल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज दैट रन अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। तो किसी भी एक न्यूरॉन के अंदर सिग्नल की ट्रांसमिशन के लिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस आती हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस हैं जैसा कि का जो लेवल है वो इन साइड एज वेल एज आउट साइड ऑफ द न्यूरोन न्यूरोलिमा चेंज हो तो उसको हम नाम देते हैं नर्व इम्पल्स अब जो एक नर्व इम्पल्स है इसको मेजर करने के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मेजर करना जरूरी है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है क्या दैट इज द कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क किसी भी इलेक्ट्रिकल वर्क को परफॉर्म uh, करने के लिए जो uh, जो भी एक इलेक्ट्रिकल वर्क को परफॉर्म करने के लिए कैपेसिटी होगी उसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसको मयर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है एट द न्यूरॉन लेवल उसको नाम दिया जाता है ऑसिलोस्कोप अब ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है इसको जब मेम्ब्रेन पे मैयर करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल जैसा कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में हमने कहा कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क इस इलेक्ट्रिकल वर्क के परफॉर्मेंस के लिए यहां पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और वो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस की बुनियाद पर शो होती है दैट इज ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ चार्ज्ड आयंस दैट आर पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन एट इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन मेम्ब्रेन तो अगर हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहें तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन या न्यूरोलिमा पे जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा उससे नाम दिया जाएगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैन बी ऑफ टू टाइप्स दैट इज मे बी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल जिसको एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कहा जाता है जब भी ऐसा मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो के नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन पे मेजर किया जाएगा उसको नाम दिया जाएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो इसको हम कहते हैं नेट डिफरेंस इन चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन इनर एंड आउटर टू द मेम्ब्रेन इन नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन। तो एक्चुअली एक न्यूरॉन अगर है तो उसकी मेम्ब्रेन के आउटर साइड और इनर साइड पर जो नेट डिफरेंस होगा इन अ नॉन कंडक्टिंग जो कि रेस्टिंग कंडीशन में होगी जिसमें नर्व इंपल्स क्रॉस नहीं हो रही उसमें मैयर किया जाएगा जब तो वो रेस्टिंग में पोटेंशियल कहलाएगा यहां पे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करते हैं तो सबसे पहले जो सोडियम पोटाशियम आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेन रोल प्ले करती है जिससे हम ये जज करते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है या एक्शन पोटेंशियल है तो याद रखिए जो सोडियम पोटेशियम आयन कंसेंट्रेशन है वो आउटर साइड पे जो सोडियम की कंसेंट्रेशन है वो टेन टाइम ज्यादा होगी सोडियम एज कंपेयर टू इनर साइड उसके मुकाबले में जो पोटाशियम है वो ट्वेंटी टाइम्स ज्यादा होगा एज कंपेर टू आउटर साइड और अगर हम इसको एग्जैक्टली मिली मोलर कंसेंट्रेशन में मैयर करें तो हम ये कहते हैं कि जो इसकी अमाउंट है वो पोटाशियम आयो फाइव रेशियो टू वन फिफ्टी मिलीमोलर होते हैं जबकि जो सोडियम है वो उसकी तादादी फाइव की रेशियो में मेजर की जाती है जो कि अप्रोक्सीमेटली टेन टाइम आउटर साइड पे होते हैं एज कंपेयर टू इनर साइड और इसी तरह से पोटासियम जो है वो ट्वेंटी टाइम्स इनर साइड पे होते हैं एज कंपेयर टू आउटर साइड तो ये सोडियम पोटासियम आइंस कंसेंट्रेशन है उसके अलावा इस सोडियम पोटाशियम आयन कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए सोडियम पोटाशियम पंप काम कर रहा होता है जो कि सोडियम पोटाशियम ए पंप कहलाता है क्योंकि यह एक्टिव जो मूवमेंट है या एक्टिवली चार्ज पंप होता है जिसके जरिए हमेशा सोडियम आयन को अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट टूवर्ड्स आउटर साइड और पोटासियम को अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट टूवर्ड्स इनर साइड मूव किया जा रहा होता है तो एक्चुअली सोडियम पोटासियम पंप जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए होगा और इसके लिए एनर्जी यूज होगी जो कि सोडियम पोटासियम एटीपीएस पंप कहलाएगा सो हाइड्रोलिस ऑफ एटीपी विल बी परफॉर्मड तीसरे नंबर पे जो इनर साइड है वो कंपैरेटिवली लेसर पॉजिटिव होती है एज कंपेयर टू आउटर साइड या हम इसको दूसरी तरह से कहते हैं कि आउटर साइड इज कंपैरेटिवली मोर पॉजिटिव एज कंपेयर टू इनर साइड तो इस आउटर साइड को कंपैरेटिवली या रेलेटिवली मोर पॉजिटिव रखना और इनर साइड को जो है वो लेसर uh, पॉजिटिव रखने के लिए इनर साइड पर नेगेटिवली चार्ज्ड ऑर्गेनिक भी मौजूद होते हैं जिसके जरिए इनर साइड लेसर पॉजिटिव या इनडायरेक्टली नेगेटिव होती है नेक्स्ट पॉइंट देखें, तो जो ये सोडियम पोटाशियम पंप कंटिन्यूसली काम कर रहा होता है तो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता उसकी वजह जो है वो लीकेज ऑफ पोटेशियम आयन है याद रखिए एवरी आयन हैज डिफिकल्टी टू क्रॉस द सेल एक्सेप्ट पोटासियम आयन तो पोटासियम आयन जो है वो इस सेल मेम्ब्रेन में से स्पेशलाइज सेलम्रेनिमा में से हो जाती है अब actually, जो है अब एक्चुअली जो वो इनवर्ड आना चाहिए थ्रू सोडियम पोटेशम पंप लेकिन यहां से सम टाइम क्या होता है पोटाशियम जो है वो लीकेज हो जाती है तो इसको हम पोटासियम लीकेज का नाम देते हैं जिसकी वजह से सोडियम पोटाइन पोटासियम कंसेंट्रेशन दोनों साइडों पे डिस्टर्ब हो जाती है और अल्टीमेटली सोडियम पोटासियम पंप के जरिए जब भी सोडियम पंप डिस्टर्ब होता है जो लीकेज की वजह से तो सोडियम पोटाशियम पंप की वजह से सोडियम के तीन आयन जो हैं वो बाहर जाते हैं और पोटाशियम के दो आयन जो हैं वो अंदर आते हैं ताकि इस कंसंट्रेशन को बैलेंस किया जा सके इसके बाद जब ये सारे फैक्टर्स हम देख लेते हैं तो इन फैक्टर्स के होते हुए जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू और हमें ऑब्जर्व होती है उसको हम कंसिडर करते हैं दैट इज अप्रोक्सीमेटली माइनस सेवनटी मिली वोल्ट तो इनर साइड जो के नेगेटिवली uh, चार्ज होती है उस पे वैल्यू माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट या पॉइंट जीरो सेवन वोल्ट शो होती है उसके मुकाबले में जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो रेस्टिंग को एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एक्शन पोटेंशियल में एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्चुअली होता है प्लस 50 मिलीवोल्ट या प्लस 0.05 वोल्ट अब ये लेवल अटेन करने के लिए एक पर्टिकुलर स्टिमुलस रिक्वायर्ड होता है यानी कि नॉन कंडक्टिंग एक मेंब्रेन है उस पे नर्व इंपल्स आने के लिए एक पर्टिकुलर स्टिमुलस रिक्वायर्ड होता है द मिनिमम स्टिमुलस विच इज एबल टू कन्वर्ट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन एक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड एज थ्रेश स्टिमुलस ये जो थ्रेश uh, स्टिमुलस है जैसे ही ये स्टिमुलस अचीव होता है तो चार्जेस रिवर्स हो जाते हैं ये चार्जेस रिवर्स होने की वजह क्या है दैट इज एक्चुअली द ओपनिंग ऑफ या वर्किंग ऑफ सोडियम पोटाशियम गेटेड चैनल जैसे ही थ्रेश होल्ड अचीव होता है तो सोडियम गेटेड चैनल ओपन होते हैं जो पोलराइज्ड स्टेट जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, में अटेन की हुई थी वो डीपोलराइज हो जाती है और उस डीपोलराइज होने की वजह से जो आ, आउटर साइड है एक पर्टिकुलर एरिया से वो कंपैरेटिवली नेगेटिव चार्ज हो जाती है और इनर साइड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है तो रेस्टिंग मूवमेंट पोटेंशियल में सोडियम जो है वो आउटवर्ड मूव कर रहा था लेकिन एक्शन पोटेंशियल में जो सोडियम गेटेड चैनल है वो सोडियम को इनवर्ड मूव करना शुरू कर देगा और डीपोलराइजेशन हाजिर जैसे ही डीपोलराइजेशन होगी तो एक पर्टिकुलर लेवल अचीव करने के बाद जैसे ही डीपोलराइजेशन का इतना लेवल होगा कि इनर साइड अप्रोक्सीमेटली प्लस फिफ्टी मिली वोल्ट या प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव वोल्ट तक हो जाए तो एक्शन पोटेंशियल अचीव हो जाएगा अगर

But we have no, not ability to detect the stimulus. Why? Because of their attachment, their touching to the body is lesser than the threshold stimulus. तो इस वजह से हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते अगर उसका लेवल जो कोई स्ट्रक्चर हमारी बॉडी को टच कर रहा हो उसका लेवल जो टच करने के लिए जो स्टिमुलस है वो थ्रेशहोल्ड से ऊपर हो जाए तो अल्टीमेटली एक्शन पोटेंशियल आ जाता है और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होने की वजह से हम उस स्टिमुलस को डिटेक्ट कर लेते हैं जो सोडियम इनवर्ड आएगा तो डीपोलराइजेशन होगी और उसके बाद जो पोटेशियम है वो आउटवर्ड मूव करने की वजह से क्या होगी रीपोलराइजेशन याद रखिए सोडियम पोटासियम पंप एट द टाइम ऑफ रेस्टिंग में पोटेंशियल साइमल्टेनियसली काम करता है मतलब जब सोडियम आउटवर्ड मूव कर रहा है उसी वक्त पोटासम को इनवर्ड मूव किया जा रहा होता है जबकि जो एक्शन पोटेंशियल है उसके केस में जब सोडियम इनवर्ड मूव कर रहा होता है उस वक्त पोटासियम गेटेड चैनल क्लोज होते हैं लेकिन जैसे ही सोडियम गेटेड चैनल क्लोज होते हैं तो पोटासियम गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं यानी कि शॉर्टली समराइज करके मैं ये कह सकता हूं सोडियम पोटासियम पंप में दोनों आयंस की मूवमेंट जो है वो एक साथ हो रही होती है जबकि सोडियम पोटासियम गेटेड चैनल में एक चैनल ओपन होता है और दूसरा चैनल क्लोज होता है और इस बुनियाद पर हम ये इसमें जो डिफरेंस है वो कर सकते हैं अब ये जो एक्शन पोटेंशियल या एक्टिव मेमब्रेन पोटेंशियल है इसको हम एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के जरिए जान सकते हैं कि किस तरह से सोडियम के इनवर्ड आने से डिपोलराइजेशन होती है और पोटासियम के आउटवर्ड जाने से रिपोलराइजेशन का प्रोसेस होता है तो इस प्रोसेस को ग्राफ की सूरत में जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जब हम एक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं तो एक सिंपलेस्ट ग्राफ जो है वो हम शो कर सकते हैं जिसमें यहाँ पे इस साइड पर हम वोल्टेज मेजर कर रहे हैं इन टर्म ऑफ मिली वोल्ट और इस साइड पर हम टाइम मेजर कर सकते हैं इन टर्म ऑफ मिली सेकेंड इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जो पार्ट ये पर्टिकुलर एरिया जहां पे माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट पर Uh, जो है वो वोल्टेज शो हो रहा है तो उस पर हम देख रहे हैं कि ये पोलराइज स्टेट है जो कि रेस्टिंग पोटेंशियल होगी स्टेट में हम सिंपली ये जानते हैं कि जो आउटर साइड है वो कंपैरेटिवली मोर पॉजिटिव होगी एज कंपेयर टू इनर साइड जैसे ही थ्रेश होल्ड आता है ये वो पॉइंट है जहां पे थ्रेश होल्ड स्टिमुलस अचीव होगा जैसे ही थ्रेश होल्ड स्टिमुलस आया तो स्टिमुलस का लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो एक पर्टिकुलर लेवल होने के बाद अगर ये लेवल प्लस फिफ्टी से प्लस हो जाए तो एक्शन पोटेंशियल यानी कि एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव हो जाता है लेकिन अगर ये लेवल थ्रेश स्टिमुलस का कम रहे इसकी इंटेंसिटी कम रहे तो ये जो एक्शन पोटेंशियल है वो अचीव नहीं किया जा सकता तो इस पॉइंट पे आके थ्रेश स्टिमुलस आया तो एक्शन पोटेंशियल अचीव होने लगा तो एक्चुअली सोडियम गेटेड चैनल ओपन होना शुरू हुई तो यहां पर हम कह सकते हैं सोडियम गेट्स ओपन होंगे जैसे ही सोडियम गेट्स ओपन होंगे तो डीपोलराइजेशन होती जाएगी अब इस डीपोलराइजेशन का एक लेवल प्लस 50 पे अचीव हुआ इससे ज्यादा भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस लेकिन हमें मिनिमम जो रिक्वायर्ड है वो प्लस 50 है जैसे ही एक्शन पोटेंशियल अचीव हो गया तो उसके बाद सोडियम गेटेड चैनल जो है वो क्लोज हो जाएंगे और रिपोलराइजेशन के प्रोसेस में पोटाशियम गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं तो इसका मतलब दोनों इकट्ठे ओपन नहीं हो रहे एक वक्त सोडियम गेटर चैनल ओपन है और एक वक्त पोटेशियम गेटर अब इस वक्त पोटेशियम गेटर चैनल ओपन हुए तो अल्टीमेटली ये डाउनवर्ड इसका मतलब ये हुआ कि पोटेशियम जो है वो आउटवर्ड जाना शुरू हुआ तो लेवल जो है वो कम होना शुरू हो गया मतलब रिपोलराइजेशन अब यहां पे फिर से क्योंकि एक तो पोटासियम जो है वो फ्रॉम द गेट्स जा रहा है बाहर और दूसरे नंबर पर यहां से पोटासियम की लीकेज भी हो रही है और इस लीकेज की वजह से कहा जाएगा कि पोटासियम जो है वो जरूरत से ज्यादा बाहर चला गया जिसकी वजह से एक कंडीशन यहां से लेके यहां तक हाइपर पोलराइजेशन ये इस लेवल तक हाइपर पोलराइजेशन होगी उस हाइपर पोलराइजेशन को मेंटेन करने के लिए अब यहां पे आके पोटासियम गेटेड चैनल्स क्लोज हो गए और सोडियम पोटासियम पंप एक्ट करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से ये रिवर्स होना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली दोबारा से अपने रेस्टिंग पोटेंशियल अचीव कर दी जाएगी तो इसका मतलब जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो वाला पीरियड जो कि रेस्टिंग कंडीशन से रेस्टिंग तक को ले जाए यानी कि हाइपर पोलराइजेशन को रिवर्स कर दे उसको नाम क्या दिया जाता है रिफ्रैक्टरी पीरियड और आ, इस पूरे प्रोसेस में डीपोलराइजेशन से लेकर रिपोलराइजेशन का प्रोसेस तकरीबन एक जो नर्व इंपल्स आती है यानी कि एक्शन पोटेंशियल अचीव होता है उसके लिए तकरीबन दो से तीन मिली सेकेंड जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं तो इस ग्राफ के जरिए हम तमाम चीजों का जो है वो एक समरी बना सकते हैं कि किस तरह से और इस पे डिफरेंट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं यानी कि आपको ग्राफ दे पूछा जा सकता है कि इस लेवल पे कंडीशन क्या है पोलराइज है इस लेवल पे थ्रेश अचीव होगा और इस लेवल पे होगी इस लेवल पे तो हर पॉइंट को जो है वो एक ग्राफ की सूरत में उसका जो पॉइंट्स है उनको पूछा जा सकता है और एमसीक्यू के लिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा अच्छा अब ये जो नर्व इंपल्स सैलरी होती है इसमें दो चीजें हम मेयर कर सकते हैं एक हम विलोसिटी को मेजर करते हैं और दूसरे नंबर पे हम स्पीड ऑफ इंपल्स जो है वो उसको मेजर कर सकते हैं जब हम वेलोसिटीज की बात करते हैं तो विलोसिटी इन एक्सॉन मेम्ब्रेन एंड क्लेफ्ट आर वेरिएबल ये वेरिएबल कितनी होती हैं जो विलोसिटी ऑफ द नर्व इंपल्स है वो डिपेंड कर रही होती है थिकनेस ऑफ द न्यूरॉन पे, जितनी ज्यादा थिकनेस होगी मेम्ब्रेन की उतना ज्यादा जो है वो वेलोसिटी ज्यादा होगी और उससे हम ऑपोजिट भी कंसिडर कर सकते हैं इसी तरह से स्पीड की बात करें तो स्पीड डिपेंड करती है किस पे माइलिनेटेड फाइबर्स पे कि जो माइलिन शीथ अगर मौजूद होगी तो उसकी वजह से जो इंपल्स है वो पर्टिकुलर एरिया से सिर्फ नोर्ड ऑफ रेनवेयर से गुजर रही है तो इसका मतलब इसकी स्पीड जो है वो तकरीबन 120 मीटर पर सेकंड होती है, जबकि जिस वक्त नॉन माइलिनेटेड कंडीशन होगी यानी कि माइलिन शीथ मौजूद नहीं होती एक्सॉन पे तो वो स्पीड जो है कम हो जाती है और तकरीबन वन टू थ्री मीटर पर सेकेंड कंसिडर की जाती है नॉर्मली माइलिनेटेड न्यूरॉन्स पे जो स्पीड uh, है वो 100 मीटर पर सेकंड या मैक्सिमम स्पीड जो है वो 120 मीटर पर सेकंड कंसिडर की जाती है अब इस पॉइंट को हम अनदर टर्म भी कह सकते हैं कि कितने गुना नॉन माइलिनेटेड के मुकाबले में माइलिन शीत पर जो स्पीड है वो कितने गुना बढ़ जाती है तो ये एक और एमसीक्यू जो है वो इस पॉइंट से पूछा जा सकता है माइलिन और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की बुनियाद पर नर्व इंपल्स को भी दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है जिसमें पहले नंबर पर कहा जाता है कंटिन्यूस नर्व इंपल्स और दूसरे में साल्टेटरी या जिसको डिसकंटिन्यूस भी कहा जाता है जो कंटिन्यूस है वो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन पर चलती है जिसका मतलब यह है कि जो कहीं पर भी गैप नहीं आएगा पूरी न्यूरॉन पर जो आयंस की अपवर्ड और डाउनवर्ड यानी कि इनर साइड और आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन मूवमेंट है वो कंटिन्यूअस रहेगी और यहां पे कहीं गैप नहीं आएगा लेकिन सालेट्री के, के केस में क्या होता है कि वो जो न्यूरॉन्स हैं उन जगह पर जहां पे माइलिन शीत है इंसुलेशन होने की वजह से आयंस की मूवमेंट नहीं होती और उस वजह से हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ये एग्जाम्पल है तो इस मेब्रेन पे अगर यहां पे माइलिन है है और इस जगह पे माइलिन तो इधर से न्यूरॉन्स की मूवमेंट होगी इधर से न्यूरॉन्स की मूवमेंट होगी लेकिन जहां पे इंसुलेशन आ गई माइलिन शीत आ गई यहां से मूवमेंट नहीं होगी तो अगर इस एरिया से मूवमेंट नहीं होती तो हमें यूं लगता है जैसे यहां से आयंस मूव किए और उसके बाद यहां से कर रहे हैं तो ये जंप लाइक कंडीशन होती है यहां पे लग रहा होता है कि जैसे आइंस जंप कर रहे हैं तो इसका मतलब यहां पे डिसकंटीन्यूअस मूवमेंट हो जाएगी सो दैट विल जंप फ्रॉम नोड टू नोड माइलिन में जो है वो स्लो जो नॉन माइलिनेटेड शीत पे जो चलती है कंटिन्यूस नर्व इंपल्स वो रिलेटिवली स्लो स्पीड की होती है और साल्टेटरी कंडक्शन जो है वो रेलेटिवली फास्ट स्पीड की होती है तो ये नर्व इंपल्स के एस्पेक्ट से जो कि विद इन अलोंग द लेंथ ऑफ ऑफ न्यूरॉन होगा कंडक्शन मैसेज या इंपल्स उसको हम नाम देंगे नर्व इंपल्स लेकिन जब हम बात करते हैं कंडक्शन ऑफ इंपल्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स तो उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं साइनेप्स तो साइनेप्स क्या है या दो एडजस्टन न्यूरॉन्स के दरमियान सिग्नल कैसे ट्रांसफर होगा उसको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ तो. जब हम साइनेप्स की बात करते हैं तो साइनेप्स एक्चुअली वो गैप है जिसमें एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ मैसेज जो है वो ट्रांसफर हो ये एक साइनेप्स एक ऐसा गैप है ये साइटोप्लाज्मिक गैप होता है जिसको हम कहते हैं बिटवीन एक्सॉन एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन कैसे मिसाल के तौर पर यहां पे आप देखिए तो एक जो एक्जोन है एक न्यूरॉन का उसका डेंड्राइट ऑफ एनदर न्यूरॉन के साथ जो साइटोप्लाज्मिक गैप आ गया मतलब दो न्यूरॉन्स के दरमियान जो गैप होता है उसको कंसिडर किया जाता है साइनेप्स इस साइनेप्स को नंबर के लिहाज से अगर हम देखें तो दैट इज सिंगल न्यूरॉन मे फॉर्म साइनैप विद मैनी एक एक्सॉन जो है उसके साथ बहुत सारी डेंड्राइट जो है वो अपना एक लिंक बना सकती हैं साइनेप्स जो है वो इंपल्स को आगे ट्रांसमिट कब करेगी हमेशा एक साइन जो है या एक इंपल्स जो है वो साइन को ट्रिगर या इनिशिएट नहीं कर सकती एक से ज्यादा दो या तीन इंपल्स रिक्वायर्ड होती हैं जिससे मैसेज एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ मूव करता है जो साइन है इसको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है दैट इज मे बी इलेक्ट्रिकल साइन और केमिकल साइन तो जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो दैट इज मे बी इलेक्ट्रिकल और केमिकल दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है दैट इज द गैप बिटवीन द टू एडजस्टेंड न्यूरॉन्स वो गैप कितना होगा उसकी बुनियाद पर हम इनको क्लासिफाई करते हैं अगर गैप मिनिमम हो अप्रोक्सीमेटली जिसको हम गैप को क्लेफ्ट कहते हैं अगर ये 0.2 नैनोमीटर तक हो तो वो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है न्यूरॉन्स और केमिकल में 20 नैनोमीटर तक अप्रॉक्सिमेटली सैनिप्टिक क्लेफ्ट होता है तो मेजोरिटी ऑफ द सेनाप्सिस केमिकल सेप्सिस होती है लेकिन कुछ सेनेप्सिस जो है वो इलेक्ट्रिकल से भी होती हैं इन दोनों के बेनिफिट्स क्या होते हैं तो जो सिग्नल ट्रांसमिशन है इलेक्ट्रिकल सेनेप्स में नॉर्मली रैपिड होती है और केमिकल सेन में स्लो होती है हम मैकेनिज्म में आगे बात करेंगे कि इसमें पर्टिकुलर न्यूरो रिलीज होना पड़ते हैं केमिकल सेन में जबकि इलेक्ट्रिकल सेन में वो आयंस का सिग्नल ही नेक्स्ट में ट्रांसफर हो जाता है तो यहां पे ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स में देखें तो हमने कहा दैट विल बी डायरेक्ट दैट ट्रिगर थ्रू आयंस जो सोडियम पोटासियम आयंस की मूवमेंट है वही इसको ट्रिगर करती है और अल्टीमेटली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शो होती है

नोब नोब इस के अंदर मौजूद होते हैं जिसमें स्पेसिफिकली हैं और इन साइनेप्टिक वेजिकल्स में स्मॉल मलिक्यूल होते हैं केमिकल मैसेजर्स होते हैं जिनको नाम दिया जाता है न्यूरो अब होता यह है कि जैसे ही नर्व इंपल्स आती है यहां तक तो इस जगह पे आके कैल्शियम गेटेड चैनल्स को ट्रिगर किया जाता है कैल्शियम गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं कैल्शियम की कंसंट्रेशन इनसाइड साइड द साइनेप्टिक नोब बढ़ती है और उसकी वजह से जो ये साइनेप्टिक नोब्स हैं दैट कैन अटैच विद द प्री साइनेप्टिक जैसे इसके साथ अटैच होते हैं फ्यूज होते हैं तो उस फ्यूजन की वजह से यहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होना शुरू होते हैं अब इसके न्यूरो के रिलीज होने की वजह से यहां पे ये पर्टिकुलरली आके इन रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को एक्साइट कर देते हैं जिसको हम uh, पोस्ट एक्टिव तो हो जाते हैं क्लोज uh, है, हो जाते हैं और वर्किंग uh, खत्म कर देते हैं और सोडियम गेटेड चैनल जो है वो अपनी एक्टिविटी शुरू कर देते हैं और एक्शन पोटेंशियल अचीव हो जाता है जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आ जाएगा तो अब यहां पर जो एक्साइटेशन हुई थी उसको इनहिबिट किया जाता है और उस इनहिबिट करने के लिए क्या होता है यहां पे पर्टिकुलर हाइड्रोलिसिस ऑफ द न्यूरो की जाती है बाय पर्टिकुलर एंजाइम्स और अ पर्टिकुलर केमिकल जैसे एसिटाइल अगर हो तो उसकी हाइड्रोलिसिस जो है वो एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम के जरिए की जा रही होती है ताकि फर्दर एक्साइटेशन का प्रोसेस रोक दिया जाए तो ये एक कंट्रोल मैकेनिज्म है जिसके जरिए ये प्रोसेस जो है उसको प्रोसीड किया जाता है

तो पर्टिकुलरली प्री सेनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज होने के बाद सेनेप्टिक वेजिकल से न्यूरो रिलीज होते हैं यहां पे जो एक्स जो ये केमिकल्स हैं ये मुख्तलिफ किस्म के मोर देन 300 हंड्रेड टाइप्स ऑफ केमिकल्स या न्यूरो जो हैं वो स्टडी किए जा चुके हैं जिसमें से मोस्ट कॉमन जो हैं वो है वो एसिटाइलकोलिन है एड्रलिन है नॉर एड्रीनलिन है सेरोटोनिन डोपिन एंड अदर्स इन में से जो एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा है जो कि सिर्फ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में काम करता है और वो है एसिटाइल कोलीन बाकी तमाम जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेकिन सिर्फ एसिटाइल कोलीन जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में रिलीज होता है और अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है इसके अलावा

कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटरस भी हैं जो के न्यूरोट्रांसमीटर के साथ-साथ एज अ हार्मोन बिहेव करते हैं सच एज एंडोर्फिंस जो के परसेप्शन ऑफ पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं दे विल एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर एज वेल एज द हार्मोन दीज आर कॉल्ड एज एंडोर्फिंस तो यहां पे हमने समराइज किया सिनेप्स को अब हम वो पूरा पॉइंट जो है वो उसको पढ़ चुके हैं कि किस तरह से एक न्यूरॉन से मैसेज विद इन द न्यूरॉन ट्रैवल करता है और किस तरह से एक न्यूरॉन से मैसेज अगले न्यूरॉन की तरफ ट्रैवल करता है तो वो गैप जिसके जरिए एक न्यूरॉन न्यूरॉन से अगले की तरफ मैसेज को ट्रांसफर किया जाता है उसको हम नाम देते हैं synapse. तो ये पॉइंट यहां तक हम कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे सिलेबस में है दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क तो उसके बारे में जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क की जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली दोनों को अगर डिफाइन करें सबसे पहले तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो एक इनवोल्ट्री एंड इमीडिएट एक्शन है और रिफ्लेक्स आर्क वो पाथवे है जिसके जरिए इस इनवोलेंट्री या इमीडिएट एक्शन को प्रोसीड किया जाता है यानी कि हम कह सकते हैं इन या इमीडिएट एक्शन इन बॉडी वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है और पाथवे ऑफ ऑफ़ ड्यूरिंग रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शन कॉल्ड अ आर्क अब इसमें जो पाथवे इन्वॉल्व होता है जो कि रिफ्लेक्स एक्शन को प्रोसीड करने के लिए रिफ्लेक्स आर्क है तो उसमें हम जो की पॉइंट्स देखते हैं सबसे पहले डिटेक्शन ऑफ स्टिमुलस होगी रिसेप्टर से और दूसरे नंबर पे इस रिसेप्टर से मैसेज को भेजा जाता है टूवर्ड्स तो रिसेप्टर जो है वो न्यूरॉन एंडिंग्स ही होते हैं यानी कि सेंसरी न्यूरॉन होते हैं और इनसे मैसेज को आगे इंटरन्यूरोन की तरफ सप्लाई किया जाता है यानी कि उस मैसेज को इंटरन्यूरोन जो कि ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं अब रिफ्लेक्स एक्शन में क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है तो इसलिए इंटर और एसोसिएटिव न्यूरॉन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इसमें इन्वॉल्व होंगे अब इससे स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज जो है ब्रेन की तरफ जा सकता है लेकिन क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन के केस में ब्रेन की तरफ नहीं जाता तो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ टूवर्ड्स द मोटर न्यूरॉन आ जाएगा अब मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन के साथ फर्दर इफेक्टर्स अटैच होते हैं दैट इज मे बी अ मसल जो के कॉन्ट्रेक्शन करेगा और ग्लैंड दैट इज मे बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द सिक्रिशंस जो कि अपना एक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे अब ये जो सारा मेथड है इसमें

फॉर्म करते हैं अपने हाथ को पीछे करना वो बुनियादी तौर पर रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो वो तमाम इमीडिएट और इनवोलंटरी एक्शन जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाएंगे अब ये जो रिफ्लेक्स uh, एक्शन में कोऑर्डिनेशन uh, सिस्टम के जो कोऑर्डिनेशन uh, जो स्टेप थे नर्वस uh, कोऑर्डिनेशन में उसके तीनों कंपोनेंट्स जो हैं जिसमें रिसेप्टर न्यूरॉन एंड इफेक्टर्स इन्वॉल्व हुए जब हम नर्वस कोऑर्डिनेशन में स्पेसिफिकली नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम जो है वो मोस्ट एडवांस और मोस्ट कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम है तो यहां पे हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम के जो फर्दर डिफरेंट स्टेजेस हैं या डिवीज हैं उनकी बात करते हैं तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो बेसिक डिवीज में डिवाइड किया जाता है फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम याद रखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो हिस्से हैं जिसमें ब्रेन है और दूसरे नंबर पे स्पाइनल uh, कॉर्ड है ब्रेन के पार्ट हम जानते हैं फोर ब्रेन है मिड ब्रेन है, है और हाइंड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन के साथ फर्दर एसोसिएटेड होती है स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों हिस्से जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट समझा जाता है ब्रेन जो है वो मुख्तलिफ किस्म के थॉट्स एंड इमोशंस में और उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है जिसमें मैसेज uh, को रिसीव करना है और उसके बाद मेमोरी फॉर्मेशन के 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 लिए भी, के लिए भी इमेजिनेशन मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज जो हैं वो इससे जबकि स्पाइनल स्पेश रिफ्लेक्शक्शन तो यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट जो कि हम अगले अपने पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम जो है उसमें हम दो किस्म की न्यूरॉन जो कि आउटसाइड द ब्रेन और न्यूरॉन होंगी उसको कंसिडर करेंगे तो हमने ये बात की है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेंुलरली एक्सक्लूसिवली इंटर न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं जो कि पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम में नहीं हो सकती जबकि पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम में मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन दो किस्म की न्यूरॉन्स जो है वो मौजूद होती हैं अब ये जो मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन है इनको सेंसरी का फंक्शन क्या है दैट आर टू गेट द मैसेज फ्रॉम द रिसेप्टर एंड ट्रांसफर टूवर्ड्स द इंटर एज वेल एज टूवर्ड्स मोटर जबकि मोटर न्यूरॉन जो हैं ये के साथ अटैच होंगी और मैसेज को कंडक्ट करेंगी टुवर्ड्स द एफेक्टर टू प्रोड्यूस आ रिस्पॉन्स अब वो रिस्पॉन्स किस किस्म का प्रोड्यूस किया जाएगा उसकी बुनियाद पर ये दो तरह के होंगे सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जब हम सोमेटिक नर्वस सिस्टम कहेंगे तो इसका मतलब यह है कि वॉलंटरी एक्टिविटीज के लिए यानी कि स्केलेटल मसल के साथ जो हमारी मोटर न्यूरॉन्स एसोसिएटेड हैं उन तमाम जो कि वॉलंटरी एक्टिविटीज के लिए जो मोटर न्यूरॉन्स होंगी वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा होंगी और वो तमाम जो कि इन एक्टिविटीज के लिए इन्वॉल्व है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा होंगी अब ये जो सोमेटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें से इनवोलेंट्री एक्टिविटीज के लिए ऑटोनॉमिक कहा तो ये दो तरह से

एक्टिवेट होगा जैसे सिंपथेटिक जो है इसके लिए एक वर्ड लिखा गया दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट हमेशा इमरजेंसी की कंडीशन होगी जबकि पैरासिपथेटिक जो है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ लाएगा कंडीशंस को बैलेंस्ड कंडीशन की तरफ लाने के लिए काम करेगा तो ये सारा एक समराइज किया हमने जो कि पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट था जिसमें से हम फर्दर अपने लेक्चर के हिस्से में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस करते हैं और इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को समझने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ इस पार्ट में हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जैसे कि हमने पहले बात की कि ये दो बुनियादी कंपोनेंट्स पर मुश्तम होता है जिसमें ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के तौर पर काम करते हैं जो कि बॉडी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें इंट्रेक्शन के ज़रिए बॉडी की जो कोऑर्डिनेशन है उसको वेल स्टेबलाइज किया जाता है अब यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो हॉलो होता है और फ्लूइड फील्ड होता है इसमें जो फ्लूइड फील्ड होता है वो बुनियादी तौर पर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो कि ऐसा फ्लूइड है जिसकी कंपोजिशन मोर लेस प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा के सिमिलर होती है तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो मौजूद होता है अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दोनों पार्ट्स का जो डिफरेंस देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन की बुनियाद पर ब्रेन जो है वो स्कल में मौजूद होता है और उसके मुकाबले में स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मेन बॉडी में जो कि वर्टिबल कॉलम के ऊपर या अबव द वर्टिबल कॉलम मौजूद होती है उसके मुकाबले में स्ट्रक्चर देखें तो ब्रेन जो है उसमें फोर कैविटीज होती हैं जिसको वेंट्रिकल्स का नाम दिया जाता है जबकि स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल केनाल पर मुस्तमिल होती है जो कि तकरीबन 18 इंचेस लेंथ में और अप्रोक्सीमेटली हाफ एन इंच विड्थ होती है जो कि माइनर चेंज हो सकती है लेकिन ऑन एवरेज हाफ एन इंच इसकी विड्थ होती है प्रोटेक्शन देखें तो तीन तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है फर्स्ट वन बोनी प्रोटेक्शन सेकंड मेम्ब्रेनस एंड थर्ड वन प्रोटेक्शन। तो अगर हम पहली बोनी प्रोटेक्शन देखें, तो क्योंकि तो प्रोटेक्ट करती है वर्ट्रिबल कॉलम में है तो इसलिए न्यूरल आर्चिस ऑफ वर्टिब्री ऑफ वर्ट्रिबल कॉलम इसको प्रोटेक्ट करती है मेम्ब्रेनस जो है वो उसमें देखें तो दोनों में कॉमन ये जो प्रोटेक्शन है वो कॉमन होती है जो कि मिलिंजिस के, के जरिए ट्रिपल लेयर उसमें जो तीन लेयर्स हैं उनको देखें तो जो ड्यूरा मैटर अरेक्नॉयड मैटर एंड पिया मैटर ये तीनों अकॉर्डिंग टू देयर अरेंजमेंट है मतलब कि इनके सीक्वेंस भी यही होता है ड्यूरा मैटर आउटर मोस्ट होती है मैटर सेंटर में और पिया मैटर जो है वो इनर मोस्ट होती है और अरेक्नॉयड मैटर और पिया मैटर के दरमियान में भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो मौजूद होता है इन दोनों के दरम्यान में जबकि पिया मैटर अरेक्नॉयड मैटर और ड्यूरा मैटर के, के दरमियान नहीं होता और फ्लूड फ्लूड प्रोटेक्शन जो है वो तो हम पहले बात कर चुके हैं वो सैरिब्रोस्पाइनल फ्लूड है जिसको सी एस एफ कहा जाता है तो ये दो बेसिक कंपोनेंट है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तो ब्रेन को डिटेल का स्ट्रक्चर देखने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जो ब्रेन है जैसा कि हमारी बॉडी का सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग स्ट्रक्चर कंसिडर किया जाता है इसके अगर हम पार्ट्स देखें तो तीन बेसिक पार्ट्स में ब्रेन को डिवाइड किया जाता है जिसमें फोर ब्रेन मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन अगर इन तीनों पार्ट्स में देखें तो बाय पार्ट या बाय साइज लार्जेस्ट पार्ट फोर ब्रेन होता है जिसको डिफरेंट सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और इसके जो सब पार्ट्स हैं उसमें थैलमस है लिम्बिक सिस्टम है और सेरिब्रम है ये तीन पार्ट्स में इसको सब पार्ट्स कहा जाता है जिसमें डिवाइड किया जाता है एक्चुअली अ रैले सेंटर काम करता है और ये रैले सेंटर बुनियादी तौर पर सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट जो कि स्किन के, के जरिए हासिल की जाएंगी और बिटवीन लिम्बिक सिस्टम एंड सैरिम अब यहां पे याद रखिए इंफॉर्मेशन जो है यहां पे इंफॉर्मेशन रिसीव हुई नाउ दैट इंफॉर्मेशन कैन बी सप्लाइड टू द लिम्बिक सिस्टम और मे बी दैट दैलमस से इसको सप्लाई किया जाएगा या तो लिंबिक सिस्टम की तरफ या टूवर्ड्स द सेरिब्रम ये कौन डिसाइड करेगा दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अगर वो बेसिक इमोशन से रिलेटेड है तो उसको सप्लाई किया जाएगा लिम्बिक सिस्टम की तरफ और अगर वो एडवांस प्रोसेस से इन्वॉल्व है तो उसको सेरिब्रम की तरफ भेज दिया जाता है तो ये दो पार्ट्स के लिए एज अ रैली सेंटर काम करता है ब्रेन का जो सेकंड पार्ट जिसको हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं ये एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है बिटवीन थैलेमस एंड सेरिब्रम ये आर्क लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फर्दर तीन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है जिसमें हाइपोथैलेमस है एमडेला है और उसके बाद हाइप कैंपस है अब जो हाइपोथैलेमस है यह बुनियादी तौर पर कोऑर्डिनेटिंग लिंक है बिटवीन नर्वस कोऑर्डिनेशन एज वेल एज केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन और हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस करता है जिसके जरिए नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन में एक लिंक बनता है जबकि एमिग्डाला जो है वो बेसिक और प्रिमिटिव इमोशन से जैसा कि फियर रेज ट्रिंक्वालिटी हैप्पीनेस, सेक्सुअल अराउजल और मुख्तलिफ ऐसे जो बेसिक इमोशन हैं, उनसे रिलेटेड स्ट्रक्चर जो है वो अमेकडेला होगा जबकि हिपो कैंपस जो है ये लॉन्ग टर्म मेमरी फॉर्मेशन के लिए ये एमसीक्यू के तौर पर पूछा जाता है कि मेमरी फॉर्मेशन के लिए लिम्बिक सिस्टम का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है तो हिपो कैंपस एक्चुअली लॉन्ग टर्म मेमरी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जबकि फोरब्रेन का थर्ड पार्ट देखें तो सेरिब्रम सेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन अगर लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोरब्रेन कहें तब भी सेरिब्रम है और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कहें तब भी सेरिब्रम है ये बुनियादी तौर पर दो हेमिसफेयर पर मुश्तम होता है जिसमें राइट right और लेफ्ट हेमिसफेयर है और इन दोनों हेमिसफेयर को अटैच रखने के लिए एक बंडल ऑफ एक्सॉन आते हैं जिनको नाम दिया दे देता है कॉर्पस कैलोसम कॉर्पस कैलोसम अब ये जो स्ट्रक्चर है इन दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है और सरप्राइजिंगली यहाँ पे ये भी याद रखिए जो लेफ्ट हैमिस्फेयर है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को जो है वो कंट्रोल करता है और जो लेफ्ट हेमिसफेयर है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेरिब्रम का फंक्शन क्या है ये एडवांस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है और उसमें जो बेसिकली एडवांस एक्टिविटीज जैसे दोनों में बेसिक डिफरेंस लिम्बिक सिस्टम बेसिक मोशन के लिए और सेरिब्रम uh, जो है वो एडवांस एक्टिविटी के लिए मिसाल के तौर पर स्पीच का प्रोसेस जो है इसके साथ साथ इंटेलिजेंस है जजमेंट है इमोशंस हैं थॉट्स है ये तमाम चीज़ें जो कि एडवांस प्रोसेसिस कंसिडर किए जाएंगे जिसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेमरी भी है तो इसका मतलब लिम्बिक सिस्टम भी मेमरी की स्टोरेज uh, के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी स्टोरेज जबकि मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन जो है वो ह्यूमन के केस में रिड्यूस्ड पार्ट होता है और ये एक्चुअली बिहेव करता है एज कंटेन ऑडिटरी रिले सेंटर एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आइस ये भी एज अ रिले सेंटर के तौर पर काम करता है जो कि फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन के, के दरमियान जो है वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने से यानी कि फोर ब्रेन से इंफॉर्मेशन को हासिल करेगा और हाइंड ब्रेन तक जो उस इंफॉर्मेशन को जो है वो भेजने के लिए हेल्प करेगा तीसरा पार्ट जो कि ब्रेन का हाइंड ब्रेन है उसके फर्दर तीन पार्ट होते हैं जिसमें पोन्स है मिडल्ला एंड सेरिबेलम तो पहला पार्ट जो है इसका मिडल्ला कंसिडर किया जाता है जो कि मिड ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होता है उसका फर्दर पार्ट पोन्स के साथ और लास्ट पार्ट जो है वो है अगर हम मिडल्ला की बात करें तो ये सेवरल ऑटोनॉमिक फंक्शन को मेंटेन करता है जैसा कि ब्रीदिंग को सोल्विंग के प्रोसेस को तो जो ऑटोनॉमिक फंक्शन हैं उनको मेंटेन करने के लिए ये अपना रोल प्ले करता है जबकि पोन्स जो है वो ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस इसके साथ साथ रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग अब ये दोनों में भी एक एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है पॉइंट जो कि अक्सर कंफ्यूज करता है मेडल्ला जो है वो ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है जबकि जो पोन्स हैं वो रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करता है यानी कि हम कॉमनली कह सकते हैं ब्रीदिंग सेंटर जो है वो मेडल्ला के पास होता है जबकि रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग को जो कंट्रोल करता है वो पोन्स हैं थर्ड पार्ट देखें तो सेरिबेलम सेरिबेलम जो है ये एक्चुअली बर्ड्स के अंदर ज्यादा एडवांस होता है और कंप्लेक्स एक्टिविटी ऑफ फ्लाइट में उनको आ, मदद देता है ये सेरिबेलम जो है वो कोऑर्डिनेट करता है बॉडी मूवमेंट को यानी कि हमारे जो मूवमेंट हमारे इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए इसका एक रोल होता है उसके साथ साथ ये मेमोरी स्टोरेज में भी इसका रोल है तो इसका मतलब तीन स्ट्रक्चर जो है वो मेमोरी की स्टोरेज में हेल्प करते हैं ह्यूमन के केस में अगर हम इन जनरल देखें तो हिपो मेमोरी फॉर्मेशन के लिए दूसरे नंबर पे सेरिब्रम और तीसरे नंबर पे सेरिबेलम तो फोर ब्रेन के दो पार्ट और हाइंड ब्रेन का एक पार्ट जो है वो मेमोरी फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले कर रहा होता है ये जो फोर ब्रेन मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स और उनके फंक्शन जो है वो हमने ब्रेन में डिस्कस किए अब ब्रेन के साथ आखिर पे जो है वो मिडला ओब्लोंगेटा के जरिए स्ट्रक्चर uh, जो अटैच होता है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड तो स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर क्या है उसके लेवल्स क्या है और कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेंट्रल होलो केनाल है प्रेजेंट uh, या प्रोटेक्टेड बाय द न्यूरल आर्चिस ऑफ ऑफ वर्टिब्रल कॉलम अब ये जो आ, वर्टिब्री ऑफ वर्टिब्रल कॉलम की न्यूरल आज से प्रोटेक्टेड होती है ये होलो केनाल के अंदर फ्लूड मौजूद होता है इसकी लेंथ जो है वो तकरीबन 18 इंचेस तक हमने अभी डिस्कस की और उसके साथ साथ इसकी वर्थ जो है वो हाफ एन इंच ऑलमोस्ट जो है वो वर्थ कंसिडर की जाती है अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये स्पाइनल कॉर्ड जो है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में दो बुनियादी पार्ट्स जो हैं वो कंसिडर किए जाते हैं एक जिसको हम ग्रे मैटर का नाम देते हैं और दूसरा व्हाइट मैटर ग्रे मैटर एक्चुअली इसलिए इसको कहा जाता है बिकॉज इट कंटेन नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन तो इसमें नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होती हैं जबकि जो व्हाइट मैटर है उसकी अपेयरेंस व्हाइट होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ एट द न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन दिस रीजन ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर के साथ ही ग्रे मैटर के सेंट्रल पार्ट में यहां पर सेंट्रल होलो केनाल मौजूद होती है और इसका जो एरिया है साइडों पर जो ग्रे मैटर है वो एक्चुअली नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स होने की वजह से उसका कलर जो है उस बुनियाद पर इसको ये नाम दिया जाता है रिमेनिंग जो पेरिफेरल पार्ट है उसमें व्हाइट मैटर होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइलिनेटेड फाइबर्स अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो बुनियादी तौर पर जो एक स्पाइनल कॉर्ड है उसके साथ मैसेज जो है वो हमेशा रिसेप्टर के जरिए टू द स्पाइनल कॉर्ड आएगा और फिर स्पाइनल में एसोसिएटिव न्यूरॉन के जरिए मोटर न्यूरॉन से होता हुआ टूवर्ड्स द इफेक्टर आएगा तो अगर रिसेप्टर के साथ हम देखें तो जो डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन है इसके जरिए मैसेज टू द स्पाइनल और वेंट्रल रूट के जरिए मैसेज

जबकि समटाइम ये वॉलंटरी एक्टिविटीज में भी जो कि सेंसरी इंपल्सिस को स्किन से और मसल से टुवर्ड्स द ब्रेन भेजता है और जबकि मोटर इंपल्सिस को ब्रेन से टुवर्ड्स द मसल और ऑफ नेक एंड लिम्स की तरफ ट्रांसफर करता है इसका मतलब ये जो एज अ रूट के तौर पर जो हमारी वॉलन्ट्री एक्टिविटीज हैं उसमें पाथवे के तौर पर एक्ट करता है जबकि इन वॉलंट्री एक्टिविटीज में मेन रोल स्पाइनल कॉर्ड का कंसिडर किया जाता है यहां तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज